सुनीता, वेलकम टू माय चैनल साई किचन। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बंगाली स्टाइल मिष्टी दही। तो आइए देखते हैं यह कैसे बनती है। फ्रेंड्स, आप सबको आसान सा रेसिपी सिखाना मेरा मकसद है और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मैंने एक फ्राई पैन लिया है, इसमें 3/4 कप मैंने चीनी डाला है। चीनी को हम स्लो फ्लेम पे कैरमलाइज करेंगे। दही में एक प्यारा सा जो गोल्डन कलर आता है वो चीनी का कैरमलाइजेशन के चलते आता है। और ट्रेडिशनली तो फ्रेंड्स मिष्टी दही में पाम जैगरी पड़ता है, लेकिन आज हम इसे चीनी से बनाएंगे। बहुत लोगों को चीनी के से ही पसंद है मिष्टी दही। चीनी अब हमारा मेल्ट होने लगा है। बहुत सारे लोग चीनी को अलग कैरमलाइज करते हैं और दूध को अलग से कुक करते हैं, लेकिन मुझे वो स्टेप एकदम अननेसेसरी लगता है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपनी रेसिपी को इजी वे में बनाएं और हम दोनों को एक ही साथ कुक करेंगे और खाने में और देखने में दोनों में कोई अंतर नहीं आता है। हमारा चीनी बहुत ही अच्छे से कैरमलाइज हो गया है। अब मैं धीरे धीरे इसमें दूध डालूंगी। मैंने 1 लीटर दूध लिया है जिसे गर्म कर लिया था। इसे हम अच्छे से धीरे धीरे मिक्स करेंगे और कहीं क्रिस्टल इसमें कुछ रह गया तो टेंशन नहीं लीजिए। जैसे जैसे दूध हमारा कुक होगा वो सब एकदम से अच्छे से कुक हो जाएगा। सारा दूध डाल दूंगी इसमें। फिर से बहुत ही आसान सा रेसिपी है और कमाल का डेजर्ट बनता है। इसे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है खाने में। अब हम इसे 10-15 मिनट तक ऐसे ही धीरे धीरे चलाते हुए कुक करेंगे स्लो फ्लेम पे। दूध हमारा बहुत ही अच्छे से कुक हो गया है। अब गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे हम ठंडा करेंगे। अब हम हैंकर लेंगे। मैंने एक छन्नी में दही को डाल के रख दिया था और नीचे में इसका सारा पानी निकल गया है। इस पानी को हम किसी सब्जी में या कढ़ी में डाल देंगे और हैंकर को हम एक बाउल में डालेंगे। इसे विस्क की सहायता से हम इसे स्मूथ करेंगे एकदम। ये करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, इसे स्किप मत करिएगा वरना आपकी दही में मोटे मोटे लम्स पड़ जाएंगे। हमारी दही स्मूथ हो गई है। अब दही में हम दूध को मिलाएंगे। दूध जो हमारा है वो लूक वार्म होना चाहिए, एकदम कंप्लीट ठंडा नहीं होना चाहिए, नहीं तो दही अच्छे से नहीं जमेगी। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने मिट्टी का बर्तन लिया है, इसमें हम दही जमाएंगे। मिट्टी के बर्तन में दही बहुत ही अच्छा जमता है। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है ये सब बर्तन, और ऑनलाइन आप मंगाना चाहें तो ऑनलाइन भी मिल जाता है। अब इन सब को मैं सिल्वर पेपर से अच्छे से पैक कर दूंगी और किसी गर्म जगह पे 7-8 घंटे के लिए रख दूंगी इसे, और ये बहुत ही अच्छा हमारा दही जमेगा। हमारा दही जम गया है और ये बहुत ही अच्छा जमा है फ्रेंड, बहुत ही ठीक है। और मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगी, देखिए कितना अच्छा हमारा दही जमा है। देखिए फ्रेंड मेरी दही कितनी थिक जमी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी दही कैसी जमी है। और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।